गांव समाज में होता है, गांव समाज में कोई आदमी होता है दिखता है, अरे बाप इतना, मान लीजिए कोई तरक्की कर रहा है आदमी, कोई तरक्की कर रहा है, मान लीजिए 5 मंजिल घर बना लिया, अरे बाप रे बाप इतना घर कैसे हो गया, हम अभी 1 मंजिल 5 मंजिल, आह भगवान भगवान भगवान, हे भगवान हे भगवान भगवान, हे वो काम करो किसी तरह से, 5 मंजिल है ना, 1 मंजिल बना दो, अरे भगवान का कुछ वो गोले गिरा था, पत्थरे गिरा था, बरसा था, 1 किलो लड्डू 1 किलो लड्डू भगवान उदित तबा कि भाई मांगता है आदमी सा कि तरक्की हो 1 किलो लड्डू, और ये हमें लड्डू के लालच दे रहा है दशा के नुकसान करने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं कौटिल्या इन। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने त्रिगोनोमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में जाना था, और इस वाले वीडियो में जानेंगे कि त्रिगोनोमेट्री का राइट एंगल ट्रेंगल में कैसे यूज किया जाता है, और कैसे कुछ मतलब कि रेशियोज निकल के आते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो त्रिगोनोमेट्रिक में जो होता है ना 6 टाइप का रेशियो निकल के आता है। ऐसे में आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, टैन थीटा, यानी कुल मिला के 6 रेशियोज होते हैं त्रिगोनोमेट्री का। तो ये चलिए शुरू करते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं कि भाई इस सब के मतलब कि आप लोग इसको जो है मतलब इस टॉपिक को पहले ही जान चुके हैं, फिर भी आप मतलब दोबारा से सीख लीजिए, जिससे मतलब कि आपको मतलब कि और भी अच्छा हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो मतलब कि पसंद आए, वीडियो को सबसे पहले शुरू से अंत तक देखिए, अगर वीडियो को पसंद आएगा तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। और यह वीडियो मतलब कि आप लोगों को फ्री में पढ़ाने का माध्यम है, इसलिए पढ़ा रहा है, ठीक, फिर मतलब कि फ्री एजुकेशन है यह, तो इसमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में आपको कुछ जाता क्या है, कुछ नहीं जाता है, कुछ आ ही रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पे देखिए त्रिगोनोमेट्रिक मेट्री इन राइट एंगल ट्रेंगल में, जैसे मान लीजिए आप लोग मतलब ट्रेंगल में जानते हैं कि क्या होता है, एक तो होता है भाई बेस, नीचे वाले को कहते हैं बेस, और जो मतलब कि पैरेलल मतलब कि एकदम परपेंडिकुलर होता है उसको परपेंडिकुलर, यानी हिंदी में बोल सकते हैं लंब, और बेस को बोल सकते हैं आधार, ठीक, हाँ, तो उसको अपोजिट भी कहा जाता है, ये बेस को बोला जाता है एडजेसेंट, हाँ, तो आइए कर्ण है मतलब कि इसको बोला जाता है इंग्लिश में हाइपोटेनस, हिंदी में आप कर्ण भी बोल सकते हैं, तो 10th में आप लोग कर्ण ही जानते होंगे, एडजेसेंट मतलब आधार ही जानते होंगे, अपोजिट मतलब लंब ही जानते होंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई क्या क्या मतलब फंक्शन मतलब कि रेशियोज है, मतलब कि देयर आर 6 टाइप ऑफ रेशियोज त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, यानी पहला में आता है साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है मतलब कि देखिए एंगल है ना, देखिए कोई भी कहाँ जहाँ भी एंगल है, मान लीजिए थीटा है, थीटा, और ये थीटा की सहायता से आपको बोला जा रहा है कि मतलब कि परपेंडिकुलर कहाँ है, तो थीटा जहाँ होगा ना, एंगल जहाँ होगा ना, उसके सामने वाले जो मतलब कि जो मतलब साइड होंगे एंगल के, जो सामने वाला साइड होगा वही हो जाता है परपेंडिकुलर, और जो साइड मतलब कि इसको छोड़कर जो साइड मतलब कि बच जाता है उसको बोलते हैं बेस, और सबसे मतलब कि लॉन्ग साइड को कहा जाता है हाइपोटेनस, ठीक। तो इसमें देखिए एंगल के सामने वाले यहाँ पे साइड से ये है, तो ये साइड को बोलेंगे परपेंडिकुलर, तो थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो आप इसको अपोजिट अपॉन एडजेसेंट भी बोल सकते हैं, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट या बेस भी बोल सकते हैं इसको, या बोल सकते हैं अपोजिट को परपेंडिकुलर, नहीं सॉरी एडजेसेंट नहीं होता है। इसको देखिए थीटा के सामने वाले भुजा को क्या बोला जाता है, लंब, मतलब कि परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस मतलब कि परपेंडिकुलर ऊपर होगा, हाइपोटेनस नीचे होगा, तो यानी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर चाहे अपोजिट बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक, साइन थीटा इक्वल्स टू हो गया, यानी कहने का मतलब आप लोग देहाती भाषा में समझ सकते हैं, आप लोग देहाती भाषा में ये समझ सकते हैं कि साइन थीटा जो है ना, साइन थीटा ए में मतलब साइन थीटा में हाइपोटेनस जो है ना, हाइपोटेनस के द्वारा अपोजिट को पीटेगा, हाइपोटेनस किसको पीटेगा, अपोजिट को, ठीक, हाइपोटेनस अपोजिट को पीट रहा है, यानी ऊपर बैठा के नीचे से पीट रहा है उसको,
तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक, अब देखिए आता है सेकेंड में कॉस थीटा। कॉस थीटा का होता है यानी आप लोग जो है ना, ये मतलब सिक्स रेशियोज है, आप लोग जो है थ्री रेशियोज का मतलब कि थ्री रेशियोज को अच्छा से समझ लीजिएगा तो आपको थ्री रेशियोज अपने आप ही आ जाएगा। यानी तीन ही मेन रूप से है, तीन को अगर आप लोग मतलब रिमेम्बर कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको मतलब पूरा छह भी याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है कि बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो गया, बेस देखिए हमने बताया था कि थीटा एंगल के सामने वाले साइड्स को कहते हैं अपोजिट्स, यानी कि अपोजिट्स या परपेंडिकुलर, और जो मतलब कि बच जाता है हाइपोटेनस के बाद तो उसको बोलते हैं बेस। तो ये हो गया बेस, ये हो गया अपोजिट, ये हो गया आपका हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, हाँ कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए अगला आता है तीसरा टैन थीटा। टैन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सामने वाला जो साइड से वो परपेंडिकुलर हो गया और जो हाइपोटेनस के बाद जो बच गया वो हो गया बेस। तो क्या आ गया बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए अब बात आई भाई, अब तीन को तो हम फाइंड कर लिए, अब तीन तीन और है, उसको कैसे फाइंड किया जाए। तो देखिए हमने बताया था कि देहाती भाषा में यानी अपना भाषा में समझना चाहिए। तो देखिए ये जो है ना अपोजिट, अपोजिट ये है, अपोजिट को साइन क्या करेगा, साइन क्या है हाइपोटेनस, क्या पिटेगा, कहेगा जो पिट किया पूरा इसको पिट किया आया, और कॉस थीटा क्या कहेगा कथी मतलब कि हाइपोटेनस है ना, यानी कॉस भी हाइपोटेनस को ही बुलाएगा, कॉस भी जो है हाइपोटेनस को ही बुलाएगा, साइन भी जो है हाइपोटेनस को ही बुलाएगा। लेकिन फर्क क्या होगा कि साइन हाइपोटेनस को बुलाएगा तो एकरा पीटेगा, लेकिन कॉस बुलाएगा तो इसको पीटेगा। आइए टैन किसको बुलाएगा, टैन बेस को बुलाएगा, अरे बेस यानी उसको पिट किया परपेंडिकुलर, यानी ज्यादा कौन पिटा रहा है, ज्यादा यही पिटा रहा लग रहा है। लेकिन देखिए अगर छो मतलब सिक्स फंक्शन के बारे में जानिएगा तो सब पिटाएगा बराबर, देख लीजिए आप। अब देखिए देखिए गांव समाज में होता है, गांव समाज में कोई आदमी होता है दिखता है, अरे बाप इतना मान लीजिए कोई तरक्की कर रहा है आदमी, कोई तरक्की कर रहा है मान लीजिए पांच मंजिल घर बना लिया, अरे बाप रे बाप इतना घर कैसे हो गया, हम अभी एक मंजिल का पांच मंजिल, आह भगवान भगवान हे भगवान हे भगवान भगवान हे वो काम करो किसी तरह से, ओका पांच मंजिल है ना एक मंजिल बना दो, अरे भगवान का कुछ वो गोले गिरा दा, पत्थरे गिरा दा, बरसा दा, एक लड्डू भगवान उदित तबा कि भाई मांगता है आदमी सा कि तरक्की हो एक लड्डू, और हमें लड्डू के लालच दे रहा है दशा के नुकसान करे के लिए। अब बताइए आदमी सा ऐसा हो गया है, देखिए ये ना सोच है कि भाई वो पाँच मंजिल बना ला हम ऐसा काम करूँ कि दस मंजिल बना, लेकिन ना कहेगा ना पाँच मंजिल कैसे हो गया, अरे जेसीए पे कूद जाओ का दे घर पर, जेसीए पे होगा से चल जाओ, अरे मान लीजिए ट्रक तो गुजरबे करता है रोड पर से, आदमी से सोच रहता है अरे भगवान जी ट्रक तो गुजरबे करे छे, ट्रक बाके बैलेंसे गड़बड़ा दे ओके घर में घुस जाए ले दे के साथ एक रोड पे आ जाए हम एक मंजिल पर रहेंगे, आदमी की यही सोच है। ठीक है तो आप लोग तो देखते ही होंगे इस टाइप के मतलब कि आदमी सबको गाँव में ज़्यादा मिल जाता है ऐसे ऐसे आदमी मतलब दूसरे को देखे जानना। तो वही बात है यहाँ पे देखिए साइन थीटा, साइन थीटा देखिए अपोजिट साइड बेटा हाइपोटेनस था, अब एक जोड़ने वाला आ गया कोसेक, अब कोसेक थीटा आ गया, कोसेक थीटा ये कथी बोलेगा बाप रे बाप ये तो मारलक हमारा कथी के अपोजिट के, अब ये कहेगा ले तोरा हाइपोटेनस के मारा तू हम अपोजिट के मारे ले, अब क्या करेगा एक बर्दाश्त नहीं हुआ ये क्या किया इसको उलट पलट कर दिया, क्या कर दिया उलट यानी हाइपोटेनस 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 बेटा क्या हो गया अपोजिट, हाँ इसको क्या कर दिया उलट दिया, इसको बर्दाश्त नहीं हुआ इसके तरक्की देखकर, तो इसे कर दिया जैसे मान लीजिए बिल्डिंग बना देता पांच मंजिल बिल्डिंग है ना, पांच मंजिल के एक मंजिल में ला दिया, एक मंजिल के पांच मंजिल, यानी कि प्लट उलट के सही कर दिया कौन कौन से। अब देखिए इसका इसका दुश्मन है सिख, इसका दुश्मन होता है सेक थीटा, अब क्या करेगा सेक, अरे वाह ये कैसे हो गया रे बेस का तो मार रहा है, लो 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 तुमको ही मार रहा है, क्या करेगा हाइपोटेनस हाइपोटेनस बटा क्या हो जाएगा बेस, ये बेसे से मारने लगेगा हाइपोटेनस को।
अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, फोर्थ नंबर में आपका हो गया, ये फिफ्थ नंबर में हो गया, सिक्स नंबर में देखिए, सिक्स नंबर में आता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा टेन की जगह, अरे 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 तू कितना आगे निकल गया, नहीं तू कितना आगे निकल गया, तू परपेंडिकुलर को पीट रहा है बेस से, रुक रुक जो रुक जो रुक जो इलाज कर रहे हैं, तो क्या करेगा बेस से पीटने लगेगा परपेंडिकुलर से, परपेंडिकुलर से। तो इस तरह से हम लोगों ने जान लिया कि भाई इस तरह से मतलब कि कैसे मतलब किसी को किसका मतलब कि किसका फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बाय बेस, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपन परपेंडिकुलर इज अपोजिट, अपोजिट को ही परपेंडिकुलर कहा जाता है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मतलब देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर चाहे अपोजिट, यानी दोनों लिख सकते हैं, यहाँ पे आप अपोजिट भी लिख सकते हैं, अभी ये समझिए कि सर यहाँ पे परपेंडिकुलर ला दिए और यहाँ पे क्या ले दिया अपोजिट, तो इसको अपोजिट भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर को, जहाँ की यहाँ पे जो कि हम यहाँ पे लिख चुके हैं। अब आगे देखते हैं, अब जान लेते हैं कि रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है मतलब कि कहने का मतलब इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कुछ मतलब क्या है उसको बारे में जान लेते हैं। तो पहला आता है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज एंड दूसरा आता है कोटिएंट आइडेंटिटीज, ठीक। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज का मतलब होता है कि मतलब कि कहने का मतलब है कि रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, यानी कि रेसिप्रोकल, जैसे मान लीजिए देखिए साइन का साइन जो होता है साइन टीचा का रेसिप्रोकल होता है कॉस टीचा, यानी कि अगर साइन टीचा को मतलब उल्टा करना है तो आप उल्टा के रूप में लिख सकते हैं एक बटा कॉसेक टीचा इसका रेसिप्रोकल हो गया, यानी कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी साइन टीचा का उल्टा हो तो जस्ट उल्टा होता है मतलब कि रेसिप्रोकल होता है कॉसेक टीचा, और दूसरा आता है टेन कॉस टीचा का रेसिप्रोकल होता है सेक टीचा, यानी कि वन बटा सेक टीचा आप लिख सकते हैं, मतलब कि सेकेंड में थर्ड में टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, यानी वन बाई कॉट थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, यानी कहने का मतलब है साइन थीटा का कॉसेक थीटा होता है, अगर कॉसेक थीटा का पूछे तो साइन थीटा, कॉसेक थीटा का पूछे तो साइन थीटा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल पूछे तो कॉट थीटा, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल पूछे तो टैन थीटा। कोटिएंट का आइडेंटिटीज का मतलब होता है कि मतलब कि देखिए जैसे टैन थीटा और कॉट थीटा मतलब कि कुछ रेशियोज का ही यूज करके मतलब फॉर्मूला बनता है, ओकरे कहते हैं कोटिएंट आइडेंटिटीज। मतलब जैसे में क्या हो जाएगा, फर्स्ट में जैसे टैन थीटा हो जाएगा, टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एकरे कहते हैं कोटिएंट आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज। अब आता है कॉट थीटा इक्वल टू होता है उल्टा है मतलब क्या है, अभी हम बताए हैं कि कॉट थीटा टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कहने का मतलब है तो क्या हो जाएगा ये वाला ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये क्या है उसका रेसिप्रोकल है, तो कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा और साइन थीटा नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं मतलब कि त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है उन सभी का वैल्यू जानते हैं डिफरेंट एंगल पे, यानी अलग अलग एंगल पे उन सब का वैल्यू कितना होगा। ऐसे मान लीजिए थीटा इक्वल टू अगर 45 डिग्री दे रखे तो उसको कैसे मतलब कि फाइंड करेंगे कि भाई अलग अलग मतलब कि रेशियो का मतलब कि वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक बताइए तो 90 डिग्री इसका फिक्स रिजल्ट आता है एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल का, और सेकेंड बात बताइए 45 डिग्री पर फाइंड करना है, तो मान लीजिए वो 45 डिग्री आप इसको मान लीजिएगा तो कंप्लीट एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो आप इसको 90 डिग्री यहाँ पे मान चुके हैं, 45 डिग्री यहाँ पे आ गया, तो इन दोनों को जोड़ के 180 में घटाइएगा तो कितना आएगा, ये भी 45 डिग्री आएगा। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। एक बात बताइए आप, अगर हम इसको ए मान लेते हैं तो ये भी यही होगा, क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब कोई ट्रेंगल में दो दो एंगल इक्वल्स आ जाते हैं आपस में तो क्या होता है वो ट्रेंगल राइट एंगल रहता है, बट साथ ही साथ क्या हो जाता है वो क्या हो जाएगा आइसोसेलस ट्रेंगल, ये आइसोसेलस ट्रेंगल हो जाएगा, यानी कि इसका जो है दो एंगल इक्वल आ जाए तो आइसोसेलस ट्रेंगल, यानी कहने का मतलब जब दो एंगल इक्वल हो तो दो भुजा भी इक्वल होंगे, यानी ये भी होगा ए तो ये भी ए हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दो एंगल इक्वल्स है,
ठीक है। तो इसका ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, यानी कि ये हाइपोटेनस फाइंड करना था। हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, रूट अंदर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी ए सी इक्वल टू क्या जाएगा, ए सी इक्वल टू रूट अंदर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ए बी क्या है, ए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे टू ए स्क्वायर, तो ए निकल गया बाहर, तो ए रूट टू, ठीक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए रूट टू। यहाँ पर बताइए आप, अब क्या कर रहे हैं, सबका वैल्यू फाइंड कर रहे थे, कर रहे हैं, तो साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो साइन थीटा, साइन 45 डिग्री, ठीक है, चीजा की जगह 45 डिग्री रखना है, तो इसके इसको लीजिए चाहे इसको, दोनों तो सेम ही है, तो इसको ले लेते हैं, तो इसके सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और जो बच गया बेस, और सबसे लंबा मतलब बड़ी यानी सबसे लॉन्ग लेंथ वाला है ए रूट टू, तो वो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो क्या होता है, साइन मतलब कि थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर ए है, यानी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है बी सी है, तो बी सी अपॉन ए सी, ए सी तो बी सी क्या है, बी सी क्या है, ए है, ए बाई ए रूट टू हो जाएगा, ए से आपका कट गया, वन बाई रूट टू आ गया। अब मान लीजिए हाँ, कोसेक थीटा, कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री था, हमने बताया था कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी इसके जगह पर हम लिख सकते हैं एक बटा साइन 45, साइन 45 डिग्री, तो क्या जाएगा इसका, उसको प्लट दीजिए तो क्या जाएगा, रूट टू डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। चाहे एक बटा रूट टू यहाँ पर पुट कीजिएगा, तो रूट टू कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब देखिए कॉस होता है, कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री हमने बताया था, कॉस थीटा बराबर थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस यहाँ पे क्या है, ए है बेस अपॉन, यानी बेस क्या है, ए भी हो गया बेस, और ए सी हो गया क्या, हाइपोटेनस, तो बेस क्या है, ए है भाई, हाइपोटेनस क्या आ गया, हाइपोटेनस क्या आ गया, ए रूट टू, तो कट गया, वन बाई रूट टू आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे तो कॉस का आप फाइंड कर लिया, कॉस का मतलब रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक होता है, यानी सेक थीटा इक्वल्स टू सेम आज क्या जाएगा, वन बटा कॉस थीटा, तो मतलब कॉस 45 डिग्री, 45 डिग्री लिख देते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, वन बाई रूट टू, यानी ऊपर चला जाएगा, रूट टू आ जाएगा इसका आंसर। अब टैन के देख लेते हैं, टैन 45 डिग्री इक्वल टू होता है, टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए है, यानी कि बी सी हो गया परपेंडिकुलर, इससे ले रहा है इससे, ठीक। परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी सी, बी सी अपॉन क्या है, ए बी, ए अपॉन ए क्या हो गया, कट गया, वन है, तो टैन 45 डिग्री के वैल्यू कितना आता है, वन। कॉट 45 देख लेते हैं, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, कॉट पहले फार्मूला बताइए, मतलब पहले फार्मूला से भी आप निकाल सकते हैं, कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है, ए है, ए है, कट गया, तो उसी तरह से अगर मान लीजिए टैन से निकाल सकते हैं, तो टैन क्या लिख सकते हैं, वन बटा टैन 45 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है कौन, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल टैन थीटा, टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, तो आप किसका है, वन आएगा भाई। तो इस तरह से हम लोगों ने थीटा के जगह पर मतलब कि 45 डिग्री रख के अलग अलग रेशियो का वैल्यू फाइंड किया, और भी फाइंड करते हैं, थीटा के जगह पर 60 डिग्री रख लेते हैं, 30 डिग्री रख लेते हैं, 90 डिग्री रखेंगे, 0 डिग्री रखेंगे, इस तरह से मतलब कि फाइंड करके देखेंगे। अब देख लेते हैं थीटा इक्वल टू अगर 60 डिग्री रहे और 30 डिग्री रहे तो उसमें त्रिकोणमेट्रिक मतलब त्रिकोणमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा उसको पुट करने पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि मतलब मान लीजिए इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले हम एक ना त्रिभुज लेंगे, कौन त्रिभुज, तो इक्वालेटरल ट्रायंगल लेंगे, इक्वालेटरल ट्रायंगल लेंगे, और क्या करेंगे उसको मतलब मान लीजिए इक्वालेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या है कि भाई ई होगा, अगर मान लीजिए ये होगा टू ए, ये भी क्या हो जाएगा टू ए, ये भी हो जाएगा टू ए, आइए इक्वालेटरल का एवरी एंगल्स कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ठीक। अब देखिए यहाँ पे और एक बात जान लीजिए आप, अगर आप किसी इक्वालेटरल ट्रायंगल के एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, अगर कोई इक्वालेटरल ट्रायंगल के किसी एक एंगल को टू इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर रहे हैं, तो वो जो जिस रेखा से जिस लाइन से आप डिवाइड कीजिएगा वो सामने वाले साइड को दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी अगर डी बिंदु पे आ रहा है, डी पॉइंट पे आ रहा है, तो ये जो डी पॉइंट होगा ना बी सी को टू पार्ट में डिवाइड करेगा, एक पार्ट ये हो जाएगा और एक पार्ट ये हो जाएगा, और एक नया बात, ये टू पार्ट जो होगा ना वो दोनों पार्ट आपस में बराबर होगा, इसका मतलब ये पूरा क्या था टू ए था, इसका मतलब ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप गौर से देखिएगा तो आपको लग रहा होगा कि ये जो आया
ये परपेंडिकुलर है डी पे, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, सीधा है, ठीक है। इसका मतलब आपको दिख रहा होगा कि आपको दो त्रिभुज, दो ट्रेंगल दिख रहा होगा, एक ए बी डी और सेकेंड ए सी डी या ए डी सी। तो ये दो ट्रेंगल आपको दिख रहे होंगे, दो ट्रेंगल्स दिख रहे होंगे। और एक बात, ये दोनों ट्रेंगल कैसा ट्रेंगल है, तो राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक। इसका मतलब देखिए, ये देखिए, अगर आप मान लीजिए ये दो, मतलब कि मान लीजिए क्या डिवाइड किया है कि ये 60 डिग्री को टू पार्ट में, ये क्या हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, पहले हम 60 डिग्री से लेकर फाइंड करते हैं। सबसे पहले 60 डिग्री से लेकर 60 मतलब 30 डिग्री का भी आप ले सकते हैं फाइंड करके, कोई दिक्कत नहीं, ले लो 30 डिग्री के ले लो। तो उसको फाइंड करने के लिए पहले हम इस लाइन का मतलब कि वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए ये ट्रेंगल ए बी डी में ये क्या चीज़ का काम कर रहा है, क्या चीज़ का, यानी इस 60 डिग्री से ले यो काम कर रहा है, मतलब कि अपोजिट का यानी परपेंडिकुलर का, ये बेस का, ये हाइपोटेन्यूज का। तो क्या करते हैं, इसका पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू रूट अंदर इतना का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए बी क्या है, टू ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, रूट थ्री ए स्क्वायर। तो ए बाहर आ जाएगा तो ए रूट थ्री हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा ए रूट थ्री। अब चलिए फाइंड करते हैं, पहले क्या फाइंड कर ले, फाइंड कर लेते हैं साइन थ्री डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थ्री डिग्री, एक का फाइंड करते हैं साइन थ्री डिग्री क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू आप लोग, साइन थीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, बी डी, बी डी अपॉन हाइपोटेनस ए बी, ए बी कौन ट्रेंगल में है, इन ट्रेंगल ए बी डी। आप इसमें भी निकालिएगा तो सेम वैल्यू आएगा, निकाल के देख सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे बी डी क्या है, ए है, ए बी क्या है, टू ए है, ये कट गया था, क्या आया 1/2, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 आ गया। इस तरह से हम कोसेक का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कोसेक का इसका उल्टा होता है, कोसेक 30 डिग्री इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी क्या मतलब रेसिप्रोकल होता है, क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी, तो क्या हो जाएगा 2a अपॉन a, ऐसे ए कट गया आ गया 2, ठीक। अब से थर्ड में देखते हैं, कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री, तो बताइए कॉस 30 डिग्री को मतलब कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, बेस हो गया ए रूट थ्री, यानी बेस हो गया ए रूट थ्री, यानी क्या हो जाएगा ए बी, ए डी, ए डी अपॉन ए बी। तो ए डी का वैल्यू क्या है, ए रूट थ्री अपॉन टू ए, ए से कट गया क्या बचा, रूट थ्री बाई टू। अब देखिए अगला, अगला आता है सेक 30 डिग्री। अब बताइए यहाँ पे ये सेक क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल है, यानी क्या हो जाएगा इसका उल्टा, यानी ए बी अपॉन ए डी। बताइए ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू आपका हो गया ए रूट थ्री, ए बी का वैल्यू हो गया टू ए, टू ए अपॉन ए रूट थ्री, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये से, टू बाई रूट थ्री आ जाएगा। अब मतलब कि फिफ्थ में देखिए, टैन थर्टी डिग्री, यानी टैन थीटा का मतलब कि फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ए है और बेस क्या है, ए रूट थ्री है, तो परपेंडिकुलर यानी कि बी डी अपॉन ए डी। तो बी डी का वैल्यू क्या है, ए है, ए डी का वैल्यू क्या है, ए रूट थ्री है, ए से कट गया क्या बचा, 1/√3। कॉट थीटा इसके रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन बी डी। ए डी का वैल्यू क्या है, ए रूट थ्री अपॉन ए, ए से कट गया क्या बचा है, रूट थ्री। तो इस तरह से हम लोगों ने 30 डिग्री क्या मतलब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दे रख दिया रहे, तो उसको मतलब कि त्रिकोणमेट्रिक रेशियो कैसे फाइंड किया जाए उसको हम लोगों ने देख लिया। आप 60 डिग्री दिया रहे तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, देख लीजिए आप, मान लीजिए हाँ, तो सिर्फ इसी में देख लेते हैं, इसी ट्रेंगल में तो 60 डिग्री दिया रहे तो क्या जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे देख लेते हैं फर्स्ट में, इफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो फर्स्ट में देख लेते हैं क्या है, साइन 60 डिग्री क्या होता है, इसके लिए बताइए, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, इसके लिए ये था, इसके लिए ये हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए रूट थ्री अपॉन क्या हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं ए डी अपॉन ए बी। ए डी क्या है, ए रूट थ्री है अपॉन टू ए, से कट गया क्या बचा, रूट थ्री बाई टू बचा, ठीक। हाँ सेकेंड में कॉसेक इसका जस्ट उल्टा होता है, तो कॉसेक
60 डिग्री बराबर इक्वल टू क्या आ जाएगा ए बी अपॉन ए डी, ठीक, इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 ए अपॉन ए रूट थ्री, ए से ए कट गया इक्वल टू क्या आएगा 2 बाई रूट थ्री आ गया। अब बताइए थर्ड में, थर्ड में कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू क्या, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसके लिए बेस ये हो गया यानी बी डी, तो बी डी अपॉन ए बी, तो बी डी का वैल्यू क्या है ए है, ए बी का वैल्यू क्या है 2 ए है, तो ए से ए कट गया क्या बचा 1 बाई टू। चलिए फोर्थ में देखते हैं, फोर्थ में इसका उल्टा होता है सेक, तो सेक 60 डिग्री इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल होता है यानी ए बी अपॉन बी डी, तो ए बी का वैल्यू क्या है 2 ए अपॉन ए, ए से ए कट गया क्या है बचा 2 बचा। अब अगला टैन थीटा, टैन 60 डिग्री क्या होता है, टैन 60 डिग्री, टैन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया ए डी, यानी ए डी अपॉन बेस क्या हो गया बी डी, बी डी, तो ए डी क्या है, ए डी का वैल्यू क्या है ए रूट थ्री, ए डी का वैल्यू ए रूट थ्री है और बेस का वैल्यू क्या है ए है, तो ए से ए कट गया क्या बचा रूट थ्री। कॉट थीटा इसके रेसिप्रोकल होता है यानी कॉट 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट 60 डिग्री क्या हो जाएगा यानी इसका रेसिप्रोकल यानी बी डी अपॉन ए डी, ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पे बी डी का वैल्यू ए है, ए डी का वैल्यू ए रूट थ्री है, ए से ए कट गया क्या बचा 1 बाई रूट थ्री। तो इस तरह से हम लोगों ने फाइंड किया कि 30 डिग्री और 60 डिग्री को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में रखने पर उसका वैल्यू क्या क्या आता है, उसको हम लोगों ने अच्छी तरह किस तरह से फाइंड कर लिया। तो अब देखते हैं यहाँ पे 90 डिग्री और 0 डिग्री जब वैल्यू रखा जाए तो सभी का वैल्यू कितना आएगा उसको फाइंड कर लेते हैं। पहले आप देख लेते हैं कि यदि मतलब कि थीटा इक्वल टू अगर 0 डिग्री आ जाए और 90 डिग्री आ जाए तो उसमें त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यूज कितना आएगा वो देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात बताइए आप कि देखिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कब होगा। देखिए यहाँ पे पहले बात कि एक तो रिजल्ट बनाता है 90 डिग्री, सेकेंड में 90 डिग्री अगर लिखते हैं तो वो त्रिभुज बन ही नहीं सकता, लेकिन मान लीजिए कि भाई ये जो है ना इसे इनफाइनाइट तक जाके मिल गया, इनफाइनाइट कहीं भी आके मिल गया, तो वहाँ पे जब मिलवो करेगा तो कितना डिग्री का वैल्यू आएगा, 0 डिग्री आएगा, 0 डिग्री आएगा, 0 डिग्री मिल गया यानी कि मिल ही नहीं रहा है, ये क्या है दोनों क्या है, मतलब मान लीजिए इसको खींचवो करेंगे तो क्या हो जाएगा पैरेलल टू ईच अदर हो जाएगा, तो पैरेलल होगा तब मान लीजिए कि भाई इनफाइनाइट पर जाके मिल के त्रिभुज किसी तरह से बन गया, तो ये क्या आ गया 0 डिग्री का बन गया। चलिए यहाँ पर बताइए, तो ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये अगर 90 डिग्री हम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा ये हाइपोटेनस यानी कि ये एच हो गया, ये पी हो गया, ये बी हो गया, ठीक, अगर ये इसको लेते हैं तो ये हो जाएगा क्या इसकी सहायता से, तो ये हो जाएगा मतलब कि परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे मतलब है, तो पहले हम देख लेते हैं, पहले हम 90 डिग्री ले लेते हैं, 0 डिग्री पहले लेकर शुरू करते हैं, तो 0 डिग्री लेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या बन गया बेस हो गया, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि और एक बात बताइए ना आप एक बात बताइए, ये जो लाइन गया है जो इनफाइनाइट तक गया है ये दोनों के तुलना में इस सब क्या है ये नगण्य हो गया, ये जो लाइन बीच का जो आप देख रहे हैं पी यानी कि ए बी जो देख रहे हैं ये क्या है दोनों के तुलना में नगण्य, यानी कि एज वेल ये यानी ए बी जो होगा ए बी मतलब सिमिलरली 0 के इक्वल टू लगभग होगा, ठीक, क्यों, क्योंकि ये इसके तुलना में बहुत कम है, ये इनफाइनाइट पे गया है, इसको यानी कि कहने का मतलब है ये लगभग में 0 के मतलब इक्वल हो सकता है, ठीक, ये दोनों लगभग बराबर इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए हम साइन थीटा का वैल्यू साइन 0 डिग्री का वैल्यू फाइंड करें तो बताइए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। तो चलिए ए बी क्या है, ए बी क्या है, ए बी का वैल्यू पी है, हाँ ए बी का वैल्यू यानी ए बी ही है, तो ए बी को हम लगभग क्या माने हैं 0, हाँ उसको क्या है उसका वैल्यू ए सी है, तो बताइए, हाँ बताइए यहाँ पे छोटा में यानी 0 में 0 को मतलब 0 ही माने हैं, तो मान लीजिए छोटा में बहुत बड़ा सा भाग लाएंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा लगभग 0 के बराबर आएगा। तो चलिए इसको 0 ना मानिए, बहुत छोटा मानिए, लगभग छोटा यानी कि लगभग माना जाता है 0, लेकिन बहुत छोटा है, ठीक, इतना छोटा है कि मतलब कि इसमें कोई इतना बड़ा से चाहे छोड़िए इसको, देखिए ये क्या है दोनों के सामने क्या है बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है यानी देखिए बहुत छोटा में अगर बहुत बड़ा सा भाग लगाएंगे तो लगभग 0 के ही बराबर आएगा, इसका मतलब ये क्या है ये बहुत ग्रेटर देन है और ये क्या है बहुत लेस देन है, यानी बहुत बड़ा में बहुत छोटा से मतलब बहुत छोटा है बहुत बड़ा सा भाग लगाएंगे तो लगभग कितने के बराबर आएगा 0, यानी इसलिए 0 का मान 0 होता है। अब आप क्या करते हैं कॉसेक 0 डिग्री के मान 0 डिग्री के मान
इसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है एसी बटा ए बी। चलिए एसी बटा ए बी, अब बात बताइए यहाँ पे एसी यानी कि बहुत बड़ा ऊपर चल गया और बहुत छोटा नीचे चला गया, तो ए बी क्या है, लगभग जीरो के बराबर है। यानी एसी अपन हम जीरो लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि जीरो से कोई भी चीज़ में डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, इनफाइनाइट। यानी ये हो गया इनफाइनाइट, ठीक। यानी इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए इनफाइनाइट मान ली। यहाँ पर देखिए अगला, अगर कॉस कॉस जीरो डिग्री रहे तो कॉस जीरो डिग्री इक्वल टू, यानी कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है ये और हाइपोटेनस ये, तो यानी देखिए तो क्या हो जाएगा बी अपॉन एच, यानी कहने का मतलब है बी सी अपॉन ए सी। हमने बताया था दोनों लगभग इक्वल्स हैं, दोनों इनफाइनाइट पर जा रहा है, इक्वल सी है तो क्या आ जाएगा वन हो जाएगा, वन, ठीक। यहाँ पे देखिए अब देख लेते हैं सेक, सेक जीरो डिग्री का वैल्यू, सेक जीरो डिग्री यानी किसके रेसिप्रोकल, यानी ए सी अपॉन बी सी कीजिए, दोनों तो लगभग इक्वल ही है तो क्या हो जाएगा ये भी वन हो जाएगा। अब देख लेते हैं टेन टेन जीरो डिग्री, टेन जीरो डिग्री का वैल्यू देख लेते हैं, तो टेन जीरो डिग्री का वैल्यू यहाँ पे देखिए टेन 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 थीटा इक्वल टू क्या होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये है बेस ये है, यानी स्पॉन में यानी ए बी बटा क्या है बी सी, स्पॉन में स्पॉन में बहुत बड़ा से डिवाइड करेंगे, बहुत बड़ा से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक। हाँ यानी बहुत छोटा में बहुत बड़ा से डिवाइड करने पर उसका वैल्यू क्या आ जाता है जीरो आ जाता है। अब देखते हैं कॉट कॉट जीरो डिग्री, तो इसका रेसिप्रोकल होता है यानी बी सी हो जाएगा ऊपर, ए बी मतलब नीचे आ जाएगा। अब ये भी बहुत मतलब छोटा है यानी कि बहुत जीरो के बराबर है लगभग, यानी कि ऊपर में बहुत बड़ा है तो बड़ा में बहुत छोटा है यानी जीरो से भाग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा, क्या आएगा ये इनफाइनाइट पर जा रहा है, ये क्या है ये बहुत छोटा है मतलब क्या हो जाएगा जीरो के इक्वल आ जाएगा, ठीक। अब देख ना इनफाइनाइट के इक्वल आ जाएगा, यानी कि आप लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए इसको ऐसे भी मान सकते हैं ना बी सी अपॉन जीरो तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, ठीक। अब देख लेते हैं 90 डिग्री के लिए, तो 90 डिग्री के लिए साइन 90 डिग्री देख लेते हैं, साइन 90 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री जब भी आएगा तो क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, ये बन जाएगा मतलब परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, तो आपका ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि एंगल जो लेते हैं उसके सामने वाला जो साइड्स होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और जो हाइपोटेनस के छोड़ के जो बच जाता है वो हो जाता है बेस। तो यहाँ पे क्या आ गया बी सी हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका क्या हाइपोटेनस यानी कि बेस, ये हो गया हाइपोटेनस, ठीक। चलिए तो क्या होता है मतलब कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि बी सी अपॉन एस। तो बताइए 90 डिग्री दोनों तब लगभग बराबर है यानी कि ए बी और बी सी लगभग क्या है बराबर यानी कि दोनों इनफाइनाइट पर जा रहा है, इसका तो उसका वैल्यू क्या क्या होगा। अब देखिए इसका रेसिप्रोकल देख लेते हैं, तो कॉसेक कॉसेक 90 डिग्री कॉसेक 90 डिग्री, तो यानी कहने का मतलब है इसका जस्ट उल्टा उल्टा होता है ए सी अपॉन बी सी, तो आप कैसे भी कीजिए दोनों लगभग इक्वल है तो इसका वैल्यू वन आ गया। अब देख लेते हैं कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री यानी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो गया ये यानी ए बी अपॉन ए सी, तो ये तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा में बहुत बड़ा सा डिवाइड किया जाता है इसका वैल्यू क्या आता है जी, ठीक। अब देख लेते हैं सेक, सेक इसका जैसे प्रोकल हो जाता है तो सेक 90 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा ए सी अपॉन ए बी, तो ए सी में यानी ए सी क्या है ए सी बहुत बड़ा है और ए बी क्या है बहुत छोटा, तो नियरली ए बी क्या हो जाएगा जीरो के बराबर हो जाएगा यानी ए सी अपॉन हम जीरो, इसके सामने जीरो हो गया इसका वैल्यू क्या आ जाएगा। अब देख लेते हैं टेन 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 थीटा टेन 90 डिग्री टेन 90 डिग्री, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है मतलब कि परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर ये हो गया बेस ये हो गया, तब क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। तो देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा में बहुत छोटा है यानी ये भी नियरली जीरो है यानी कि बी सी अपॉन हम जीरो लिख सकते हैं तो क्या जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप कॉट देख लेते हैं कॉट 90 डिग्री कॉट 90 डिग्री यानी कहने का मतलब इसका रेसिप्रोकल यानी क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी यानी कि ए बी अपॉन बी सी ए बी अपॉन बी सी बी सी। तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा तो जीरो ऊपर चल जाएगा यानी कि बहुत छोटा में बहुत बड़ा सा भाग लगाता है तो जीरो ही आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम लोगों ने त्रिकोणमेट्रिक रेशियो का एंगल के मतलब कि उसमें पुट करने पर कितना कितना उसका वैल्यू आता है वो सब देख लिए। जैसे मान लीजिए हम लोग कितना पे जीरो पे देख लिए 60 पे देख लिए 30 पे देख लिए 45 पे देख लिए 90 डिग्री पे देख लिए और उसका वैल्यू जितना था फाइंड कर लिया, प्रूफ भी जान गए कि भाई कैसे मतलब कि इसका एंगल फाइंड किया जाए। तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, ठीक, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने विचार आपका जो विचार उत्पन्न हो तो कमेंट में लिखिए ना, और हमसे हमेशा के लिए जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी को भी दबा लीजिए कि जब भी हम नया नया वीडियो को अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।
तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।